ओ, क्या बात है जॉन, लगता है तुम्हारी चोरी की दुकान कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, तभी तो फुर्सत में हो। डॉक्टर झटका, तुम एकदम सही बोला। तुम लोग कौन सा तीर मार रहे हो, यहाँ बैठ कर बस मोटू पतलू का इंतजार ही तो कर रहे होगे। तुम लोग फालतू, तुम्हारे दोस्त भी फालतू। मेरे दोस्त को फालतू बोला? फालतू नहीं है वो, वीर है, बहादुर है। हाँ यार डॉक्टर झटका, अरे आप तो एक साइंटिस्ट हो, फिर भी मोटू जैसे बुद्धू दोस्त क्यों रखा है? ओ यार जॉन, तूने फिर मेरे दोस्त की बुराई की। मोटू बुद्धू नहीं है, वो तो सीधा है, भोला है और अकलमंद भी है यार। मोटू अकलमंद है? मैं उसे जब चाहो तब बुद्धू बना सकता हूँ। वो ऐसी बात है तो उसे बेवकूफ बना कर दिखाओ यार, लगी शर्त। हाँ मोटू, टाइम क्या हुआ है? हाँ हाँ अभी बताता हूँ, ठीक 10 बजे है। अरे बाय बाय। अरे क्या हुआ, ये चोर हंसता हुआ क्यों गया? अरे मोटू, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। देखो नीचे उसने तुमसे टाइम इसलिए पूछा जिससे तुम्हारे हाथ का दूध गिर जाए। चाय वाले भैया फिर से दूध दे दो, मैं अपनी घड़ी उल्टी कर लेता हूँ, अब चोर मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मोटू जरा एक बार फिर से टाइम तो बता दो। अरे जॉन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक 10:30 बजे है। अरे इस बार कैसे गिर गया, मैंने तो पूरी तैयारी की थी। मोटू को फिर से बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओए मोटू मेरे बड़े भाई, जॉन तुम्हें बार बार बेवकूफ बना रहा है यार, क्यों? मैं जॉन से बदला लूंगा, गिने गिन के बदला लूंगा। अरे ये क्या, जॉन डॉक्टर कब से बन गया? पतलू जल्दी चिंगम सर को फोन लगाओ और इस नकली डॉक्टर को पकड़वाओ। जॉन से बदला लेने का टाइम आ गया है पतलू। ऐसी बीमारी लेकर जॉन के पास जाऊंगा कि वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अरे चिंगम सर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो ऐसा ना हो कि अवाबेल मुझे मार हो जाए। अरे पतलू मेरे भाई, यू डोंट वरी, मैं उसे जाकर कहूंगा कि मुझे भूख नहीं लगती, जॉन मुझे जबरदस्ती भूख कैसे लगवा सकता है। अरे अगर भूख लग भी जाए तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है। तुम रुको, मैं अभी 50,000 लेकर आया। जॉन द डॉन, अरे आप डॉक्टर कैसे बन गए? हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बाहर आपका बोर्ड देखा तो आ गया, मुझे अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, मुझे भूख नहीं लगती, अब आप मेरा इलाज करो प्लीज। क्यों नहीं क्यों नहीं, अगर मैंने वादा किया है तो उसे पूरा भी करूँगा, बस मेरा थोड़ी देर का लंच ब्रेक है, मैं अभी आता हूँ। मोटू समोसे तो तुम्हारे फेवरेट है ना? कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं बताऊंगा। जॉन भैया पक्का ना? थैंक यू थैंक यू। ठीक है समोसे तो तुमने खा लिए, अब मेरे 10,000 रुपए निकालो। अरे कैसे 10,000? तुमने तो बाहर बोर्ड पर पढ़ा ही होगा, अगर बीमारी सही हो जाए तो 10,000 रुपए देने होंगे, तुम्हें भूख नहीं लगती थी और अब भूख लगने लगी है, तभी तो सारे समोसे सफा चट कर दिए। अरे ये तो चीटिंग है चीटिंग है। ये लो 10,000। वो तो क्या हुआ, पैसे निकाल पाए जॉन से? अरे उल्टा फिर से उसी ने मुझसे 10,000 ले लिए, उसने मुझे समोसे का लालच दिया। हाँ,
और बनो बेवकूफ, मना किया था तुम्हें, अब पता चला क्या क्या होता है? आ बैल मुझे मार। अरे पतलू हंसो मत, अब की बार उसको कहूँगा कि खाने का स्वाद चला गया, जौन स्वाद तो वापस नहीं ला पाएगा। जो भी चीज वो खिलाएगा मैं ये कह दूंगा कि स्वाद ही नहीं है। अरे जॉन, मेरे मुंह का स्वाद चला गया है, उसे वापस ले आओ। इन्हें दो नंबर के ड्रॉयर से दवाई निकाल कर दो। ये लो स्वाद की दवाई, पी जाओ। ये तो पेट्रोल है। देखा, स्वाद वापस आ गया ना, तुम्हें पेट्रोल का पता चल गया। निकालो मेरे 10,000 रुपए। क्यों मिले 50,000? फिर से बेवकूफ बनकर आ गई। चिंगम सर को बोलकर जॉन को अरेस्ट करवा देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने 50,000 जॉन से लूट कर ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ इलाज करवाइए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, ड्रॉवर नंबर 2 से याददाश्त की दवाई दे दो। पर ड्रॉवर नंबर 2 में तो स्वाद की दवाई थी जो पेट्रोल था। देखा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। लाओ मेरे 10,000 रुपए लाओ। कितनी बार मना किया तुम्हें मोटू, कितनी बार मना किया। जॉन के चक्कर में मत फंसो, तुम्हें कंगाल करके चला गया वो। जॉन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया, अरे बाबा मैं उठा देता हूँ, रुको। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, हमारी उम्र पर मत जाओ, बहुत ताकत है हमें, हम चाहे तो कुंग फू कराटे में किसी को भी हरा दे। अरे बाबा आपसे लाठी तो उठाई नहीं जाती। अरे अभी तुमने हमारा कराटे देखा कहाँ है? अरे इस फुरफुरी नगर में कोई है जो हमें हरा सके? अरे उसे हम 1,00,000 रुपए का इनाम देंगे। क्यों टीटू भाई? बिल्कुल सही पीटू भाई। चलो इसी बात पर जरा और समोसे तो खिला दो चाय वाले। हाँ हाँ खा लो, पता नहीं फिर मौका मिले कि नहीं। चाय वाले, समोसा भारी है, थोड़ा इसको काट कर आधा तो कर दो। अरे भाया, एक समोसा तो उठा नहीं पा रहे, चले हो कुंग फू कराटे करने, ऊपर से 1,00,000 रुपए का इनाम भी रख दिया, अब तो ऊपर वाला ही बचाए तुम्हें। हाँ। हमारी ताकत में मत जाओ, अरे हम ऐसे कुंग फू कराटे करते हैं। क्यों टीटू भाई? हाँ पीटू भाई। 1,00,000 कमाने का टाइम आ गया है। पीटू सर जी आ जाओ, फाइट हो जाए। टीटू सर 1,00,000 निकाल के रख दो, आज फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। ओके ओके, रेडी स्टेडी गो। Oh!
अरे फिर कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना वरना बहुत मारूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है, एक ओल्ड मैन में इतनी ताकत कैसे? ये चीटिंग है, ओल्ड मैन बनके मुझे बुद्धू बनाया। ओ यार मैंने कहा था मोटू मतलब बुद्धू नहीं अकलमंद है, बहादुर है। मोटू बुद्धू नहीं भोला है। अब तुम उसे सब रुपए पैसे वापस करो। मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, पक्का वादा।